हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसे मैं बहुत ही इजी और बेसिक ट्रिक से आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल SGS लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब कर राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 33 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज मोल्डेड टू फॉर्म अ सर्कल, देन वॉट इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आप वो देखिए। अ वायर, एक वायर है, देखिए, इज इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर। देखिए, इस प्रकार का हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में एक वायर है। एक वायर था, हमने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से आया तक। देखिए, एक लंबा वायर था, हमने उसमें क्या कर दिया, चार बराबर उसके टुकड़े कर दिए। ठीक है, आप मान सकते हैं कि चार उसमें हमने क्या कर दिए, वहाँ पर एंगल बना दिए। तो एक एंगल यहाँ से बना, एक यहाँ से बना और एक यहाँ से बना, तो हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये हमारा एक स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर का खासियत क्या होती है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए कि जो भी उसके साइड्स होती है, जैसे देखिए, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है। स्क्वायर में कितने साइड्स होती है, चार साइड्स होती है, और चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल होती है। इसमें क्या किया गया है कि हमारे पास फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड 33 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये जो 33 सेंटीमीटर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, यहाँ पर हमने ए से डिनोट किया है, इसलिए मैंने वहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है। आप किससे भी डिनोट कर सकते हैं, आप एक्स भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप वो देखिए कि क्या कह रहा है। तो 33 सेंटीमीटर क्या है, साइड की लेंथ है। ठीक है, तो ये 33 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 33 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 33, ये 33, ये 33 और ये 33 हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इफ़ द वायर इज़ मोल्डेड टू फॉर्म अ सर्कल। अब ये जो वायर था, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने कुछ प्रोसेस की और इसको क्या कर दिया, हमने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, इसको हमने गला कर एक सर्कल बना लिया। अब इस वायर को हमने एक सर्कल बना लिया, देखिए, इस प्रकार से हमने एक सर्कल बना लिया। और सर्कल में क्या होता है, हमेशा एक रेडियस होती है। ठीक है, सर्कल में क्या होता है, हमेशा एक रेडियस होती है। तो जैसे ये हमारे पास एक रेडियस है, ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया और एक हमारा रेडियस हो गया। अब क्या कह रहा है, देन व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या निकालना है, इस रेडियस की वैल्यू निकालना है। इस रेडियस की हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम किस प्रकार से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा स्क्वायर है, इसकी जो लेंथ है, देखिए, ये जो साइड्स है इसकी लेंथ देखिए, ये 33 सेंटीमीटर, ये 33 सेंटीमीटर, ये 33 सेंटीमीटर, ये 33 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जब भी हम किसी चीज़ को मोल्ड करते हैं, या जैसे वायर को हमने मोल्ड किया, तो क्या होगा कि इसका जो सर्कमफरेंस होगा और इसका जो सर्कमफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। ठीक है, सर्कमफरेंस इक्वल होगा। अब सर्कमफरेंस का अर्थ होता है, जैसे देखिए, हम सर्कल के बात करेंगे तो उसे हम सर्कमफरेंस कहते हैं, और जब हम स्क्वायर में बात करते हैं तो सर्कमफरेंस जो होता है वो पेरीमीटर होता है। जैसे इसका पेरीमीटर को हम सर्कमफरेंस कहते हैं, सिर्फ एक अलग हमने नाम दिया है सर्कल के लिए, और जो स्क्वायर होगा उसे हम पेरीमीटर कहेंगे। ठीक है, तो सर्कल का सर्कमफरेंस होता है, हमें पता है, 2πr। ठीक है, इसे हम पेरीमीटर भी कहते हैं। तो ये सर्कल का हमारा सर्कमफरेंस है, पेरीमीटर कह सकते हैं या सर्कमफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 2πr है। अब स्क्वायर में देखिए, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है हमारा, देखिए, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, कितनी साइड होगी, चार साइड होगी, 4 × a लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस a प्लस a प्लस a। पेरीमीटर नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द साइड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड, जैसे देखिए स्क्वायर में क्या है, हमारे पास साइड है, पर इसमें सर्कल में हमारे पास साइड नहीं होती है। जैसे मैंने मान लिया कि मैं यहाँ से चलूँगा
और पूरा का पूरा देखिए यहाँ से मैं चलूँगा और यहाँ से पूरा घूमकर मैं यहाँ पर आऊँगा, तो जितना मैंने डिस्टेंस कवर किया उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। उसे हम एक अलग से नाम दिया है, उसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा वो सेम होगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे देखिए इसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर और सर्कल का पेरीमीटर को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। जब इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखिए किस प्रकार से, तो देखिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू ले लेंगे बीच में, इक्वेट करना है। तो अब हमारे पास स्क्वायर का पेरीमीटर है, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है, 4 into a है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 into a लिख दिया है। अब देखिए हमारे पास जो पेरीमीटर है जिसे हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं उसे इक्वेट कर ले। तो देखिए सर्कल का पेरीमीटर कितना है, सर्कमफेरेंस कितना है, देखिए 2π into r है। अब देखिए a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 33 गिवन है। तो हम यहाँ पर a की जगह पर कितना लिख देंगे, 33 लिख देंगे, ठीक है। 2 और π, देखिए 2 और π, तो देखिए 2 लिख देंगे और पाए की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 22/7 हमारे पास गिवन है, ठीक है। यहाँ पर जो गिवन होता है वही हमें लिखना है, ठीक है दोस्तों। और r की वैल्यू हमें निकालना है, देखिए रेडियस ऑफ द सर्कल जो हमने कंसिडर किया है जो r है, तो r को हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने एज इट इज़ क्या लिख दिया, r को या एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो देखिए 4 into 33 को हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 2 into 22/7 into r, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा, ठीक है। देखिए 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो दिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 into 3, और जो ये है हमारा 7। अब देखिए यहाँ पर और एक 2 बचा है तो हम क्या कर देंगे, उसको नीचे मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या बचा है, देखिए यहाँ पर हमारा सिर्फ r बचा हुआ है। अब ये 2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे तो r की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 into 7 21, और इसका जो यूनिट होता है वो हमेशा किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, सिर्फ हमने क्या कर दिया, उसका सिर्फ एडिशन किया है। यहाँ से हम घूमकर पूरा एक चक्कर लगाकर यहाँ पर आएंगे तो जितना हमें डिस्टेंस कवर होगा, जितना हमारा लेंथ कवर होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल के हिसाब से। जैसे हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि एक वायर है जो स्क्वायर के फॉर्म में है, उसे हम कन्वर्ट करके सर्कल बनाते हैं, तो और हमें उसका रेडियस निकालना था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।